वहाँ आगे चल रहे थे तुम क्या लास्ट में गए? नहीं घर पे अन में। चलो बगल हो गया, चलो बने बहन हो गया है ना। और इधर डॉक्टर के बड़ू इन रीम में तो भंगवा दो नहीं लगा सौ गान में खोली जागा में कट्टो सा होगा आई जाओ दोस्तों। इसको दामन साहब बोलते हैं और इंग्लिश में इसको रेट स्नैक बोलते हैं, चूहे खाने वाला साहब। और दोस्तों इसको कहीं कहीं घोड़ा पचाड़ बोला जाता है, कैसा साहब बोला जाता है। और इसके मुंह के अंदर कोई जहर नहीं होता है दोस्तों, इसके विष दांत नहीं होते हैं, ओनली बैक्टीरिया होता है जो इसके मुँह के अंदर होता है, क्योंकि ये चूहे और मेंढक वगैरह इनको खाता है के, तो इसके मुँह के अंदर दांतों में इनमें बैक्टीरिया होता है। अगर ये ज़ोर से काट ले तो घाव हो जाए या दांत टूट जाए तो उस जगह बैक्टीरिया फैल जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है, जिस अगर समय पे ट्रीटमेंट नहीं हो तो वो जानलेवा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जानवर के काटने से, सांप के काटने से कोई मृत्यु होती है किसी की। और जब कभी कोई स्नैक बाइट करता है आपको जिला अस्पताल ले जाना चाहिए। और जो कर रहा हूँ मैं इसकी कॉपी नहीं करें, वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। और इसको साइंटिफिक भाषा में पित्यास मुकोसा बोला जाता है दोस्तों, जो कि हमारे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, वीडियो के साथ बने रहिए। तो ये क्या है कि एक दीवार पे चढ़ के बैठा हुआ था तो इसने चूहे का चूहा निगल रखा था, जिसकी वजह से ये बहुत भयभीत हो रहा था तो अपने ऊपर बाइट कर रहा था बार बार, और थोड़ा अग्रेसिव था। तो हम जानबूझ के इसको परेशान भी नहीं करना चाह रहे थे और हम भी नहीं चाहते थे कि अगर ये हमें बाइट करे, क्योंकि इसको तो हम परेशान नहीं करते हैं। तो हमने जैसे कैसे इसको हैंडल किया, और दोस्तों थोड़ा एग्रेसिव और थोड़ा हेल्दी था तो हमें कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत आई। देखो डरना भी ज़रूरी है, ये भी अपना जीव बचाते हैं, हमें अपना जीव बचाना चाहिए, बाकी इनको नुकसान नहीं हो, बस ये ध्यान रख के हमने ये काम किया है। और सांपों से जुड़ी सारी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, प्यार बना रहे, ये चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, हम आए बछरा गांव में, आपका सुना उमेश कुमावत, उमेश जी कुमावत इनके यहाँ पर आए हैं। और आप देख सकते हो बहुत ही बिग साइज का ये रेड स्नेक है, यानी चूहे खाने वाला साहब। और दोस्तों इसकी जो हाइट होगी आप देख सकते हो, लगभग ये 7 फीट या 8 फीट की समथिंग है। और इसका जो दोस्तों वजन होगा लगभग 4 से 5 किलो वजन इसका, बहुत हेल्दी है ये। और इसने अभी कुछ निगल रखा है धुआं वगैरह, तो ये मुंह के ऊपर अटैक कर रहा बार बार। और दोस्तों इसकी जो उम्र होगी दोस्तों अभी तकरीबन 15 साल की समथिंग है। और दोस्तों इसके अंदर कोई जहर नहीं होता है, नॉन वेनमस है, बिना जहर वाला सांप है ये। अगर ये किसी को काट ले तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि लोग दहशत से मर जाते हैं, क्योंकि उनको अगर ये सांप कोई काट लेता है तो वो घबरा जाते हैं और उनका बीपी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उनको अटैक आ जाता है। बाकी किसी सांप के काटने से कोई इंसान तुरंत नहीं मरता है। तो आप सबसे अनुरोध है कि कोई भी सांप काटे तो आपको जिला अस्पताल जाना चाहिए और झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं रहे।
अगर आप जानबूझ के चक्कर में रहोगे जान गाओ बैठोगे। और दोस्तों जो मैं कर रहा हूँ कॉपी नहीं करें, हम ये अनुभव और प्रशिक्षण से करते दोस्तों। और इस सांप की खासियत ये है दोस्तों कि मुंह के ऊपर बहुत जोर से अटैक करता है, और इसको पहचानने की जो इसकी तकनीक ये है कि इसकी पूंछ बहुत पतली होती है और बीच का जो पार्ट होता है मोटा होता है और गर्दन के वहाँ से पतला होता है और इसका मुंह भी पतला होता है। हर बार दिमाग निकलता है, इसकी आँखें मोटी मोटी होती है और आँखों के पास में जो ये घेरे बने होते हैं ये लाइनदार, ये ब्लैक ब्लैक कलर में बने होते हैं। और इसका जो बॉटम साइज होती है दोस्तों ये येलो कलर में हो सकती है, वाइट कलर में हो सकती है और क्रीम कलर में हो सकती है। और दोस्तों ये किसानों के लिए मित्र है, क्योंकि अगर हमारे खेतों के आसपास ऐसा जीव रहेगा तो हमारे खेतों की जो पैदावार होती है वो 30% तक बढ़ सकती है। तो सांपों को देख के मारे नहीं, ये प्रकृति का हिस्सा है, इनको भी रहने का अधिकार है। तो प्रकृति का जो सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करते हैं ये भी। और YouTube पे हमारे चैनल है प्रीति स्नैक सेवर, उसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो का जल्दी शेयर करें। और एक चैनल और हमारा सर्प मित्र काल भैरव, उसको भी आप सब्सक्राइब करें ताकि सांपों जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे और आपका डर और अंधविश्वास दूर रहे। इसी के साथ में दोस्तों इसको हम सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया आपकी मदद से और इसके अनुकूल वातावरण में जाकर रिलीज कर देंगे। और दोस्तों बात हो रही है कि अभी बारिश का टाइम है तो घर में कूड़ा करकट नहीं रखें, साफ सफाई रखें। और हम लोग क्या है, गांव से निकल कर जंगल की ओर जाने लगे हैं तो ये जीव भी क्या है कि जंगल से गांव में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि अनाज वगैरह होता है जिसकी वजह से चूहे वगैरह आ जाते हैं, उसको खाने के लिए आते हैं हमारे घरों में, वरना ये इंसानों से बहुत रहना पसंद करते हैं। तो इसी के साथ इसको हम कर लिए हैं और इसके अनुकूल आसान जाकर रिलीज कर देंगे। Thank you.